नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चक्करपुर मंडी कानपुर में। और किसान भाइयों, आज की अगर बात करेंगे तो आज आलू का रेट क्या है, जानकारी लेने के लिए हम आ चुके हैं रोचक आलू कंपनी पर। और रोचक आलू कंपनी पर आज हमारी मौजूदगी है। अभी फिलहाल की बात करेंगे तो आमदनी के साथ साथ आप दिखाना चाहेंगे आपको भैया, आज मंडी में आमदनी काफ़ी ज़बरदस्त है, नीचे ऊपर में दोनों जगह आप भैया के पास आलू लगा हुआ है। मतलब कि मुझे लगता है कि मंडी में सभी दुकानों पर आज ज़्यादातर माल आया हुआ है और भैया के पास तो और ज़्यादा ज़बरदस्त आया हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बिक्री के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया कौन कैसी बिक्री करता है, उसी हिसाब से किसानों का भरोसा रहता है। तो फिलहाल में बात करेंगे रोचक आलू कंपनी पे, हमारे साथ ऑनर मौजूद हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कि भैया ने आज कितना आलू बेचा है, कितना नहीं। बाकी आप वैरायटियां देख सकते हैं, लगातार लंबी सी लाइन आपको देखने को मिलेगी यहां से लेकर के और नीचे तक जो है किसान भाइयों, आपको आलू ही आलू मिलेगा। बाकी आज मंडी की आमद जो है बहुत ज़बरदस्त है किसान भाइयों, देखिए। और बैलेंस में भी आपको आलू मिलेगा को जो पिछली दिन का था, और वो भी बैलेंस जो है आलू आज है और आज भी बैलेंस होगा। चलिए फिलहाल की बात करें कि आज बिक्रियां क्या क्या रेट हुई हैं। भैया सबसे पहले हमें बताइएगा कि मंडी की आमदनी क्या रही आज? आज मंडी में 100-125 गाली की आमदनी है जी। अच्छा भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल बताएं। अगर बिक्री की बात की जाए तो आज बिक्री बहुत सुस्त है, बिक्री सुस्त है, उठाव बहुत कमजोर है, बिल्कुल ज्यादा आमदनी भी है, बिक्री भी कमजोर है। इस वजह से आलू 2-3 रुपए किलो मद्दा बिक रहा है आज। 2-3 रुपए किलो मद्दा बिक रहा है, मतलब कि हमें लगता है कि सभी वैरायटियों में भाई साहब ये गिरावट आई है। हाँ, सारी, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे बीजा हो, लाल का चाहे लाल का गुल्ला हो, बेहतर चिप्स होना, हाईलैंड में भी कहीं ना कहीं गिरावट है। सारी चीजों में जो हाईलैंड 26 रुपए का बिक रहा था उसकी पोजीशन 22-23 रुपए की है, 22-23 रुपए वो भी गोल वाले आलू 20 के नीचे आ गए। कुछ आलू बिके हैं कई रुपए के जी, लेकिन जो हल्की रेंज के आलू हैं सब 19-20 रुपए के, 18 के बिक रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जैसे आज मंडी की आमदनी जैसे आपने बताया है कि 100+ रहेगी, लेकिन कुछ आलू तो पिछली कल का भी होगा, कल की करीब 40-50 गाली है। मंडी में बैलेंस बहुत बड़ा चल रहा है, पिछले 5-6 दिनों में जी कम से कम 600-700 गाली मंडी में आई है, 600-700 गाली आ रही है जी। और आज 100-125 गाली से ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है जी, और बैलेंस भी है। इस वजह से आज ज़्यादा पिटाई हुई मंडी, सोमवार मंगल बुध को तो सद गई जी, लेकिन बृहस्पति शुक्र को मंडी ज़्यादा पिट गई, कल से पिटना चालू हुई, आज ज़्यादा पिट गई, आज और ज़्यादा पिट गई। तमाम कल की गालियाँ खड़ी रह गई, तमाम व्यापारियों ने नहीं बेचने दिया, आज उससे डाउन बिक रहा है। अच्छा भाई साहब, जैसे आपने बताया कि कल पिटी आज भी पिटी, और आज के दिन भाई साहब जो पिटी है, मान लेते हैं कि आज कुछ ज़्यादा ही पिट गई, क्योंकि 2 रुपए किलो के हिसाब से गिरावट आ गई, तो इसमें क्या लग रहा है, क्या कारण आप देखना चाहेंगे? कारण ज़्यादा लोडिंग का है, मांग तो है, कम से कम 100 गाली की तो बिक्री है जी, लेकिन हमारे पास जब 150 गाली आती है तो फिर हमको और डाउन करके बेचना पड़ता है, बिल्कुल पूरी मंडी में, बिल्कुल। तो कल की भी 50 गाली थी, अगर पूरा मिला दो तो 200 गाली है, बिल्कुल भाई। अच्छा, हमारी दुकान से आंकड़ा लो, नीचे बैलेंस भी बचा, ऊपर गालियाँ भी है जी जी, तो सिस्टम तो इसी वजह से बिगड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई साहब, जैसे कि आज मुझे लगता है कि अब अगर देखें दीपावली तक, किसानों के मन में भी एक ही बात चल रही है कि भैया दीपावली तक आलू बेच देना चाहिए, और एक साथ आलू जो है किसानों का लाना, ये भी हमें लगता है एक तरीके से गुनाह बन गया। गुनाह तो है ही है भाई, अब आदमी को मालूम कहाँ रहता है, हाँ। जो किसान वहाँ से आलू लेके चलता है उसको इतनी जानकारी नहीं रहती, मानते आप लोग जानकारी देते अपने यूट्यूब के माध्यम से जी, लेकिन मंडी की आवक की जानकारी कोई नहीं रख पाता है। हाँ बिल्कुल, ये 100 गाली आएगी कि 125 आएगी कि 200 आएगी जी जी, लेकिन यहाँ पे जो भी बिक्री होती है आवक हिसाब से होती है, अगर ज्यादा आलू आ गया है जी जी। तो भी मार्केट डाउन बेचना पड़ता है, कम आ गया तो टाइट बेचना पड़ता है। कोल्डो में भले कम आलू हो जी, लेकिन मंडी में अगर ज्यादा आमदनी है तो आलू भाव मद्दा ही बेचना पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि लेने वाला लेगा नहीं, जो आती जितना डाउन बेचेगा उसके यहाँ बिक्री होगी जी, बाकी माल रखे रह जाएंगे। भाई साहब, जैसे आज यहाँ पर तो मंडी का रेट डाउन हो ही गया है, अब तो ये वीडियो और सभी के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज में लगता है कल वहाँ से भी परिवर्तन पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का भाव वहाँ भी चलता है, कुछ अलग से तो है नहीं भाई। कोल्डो में ऐसा है, किसान के पास 2-3% माल बचा है जी, बाकी माल कोल्ड माल को व्यापारियों का है जी। जो भी माल आज मंडी में इतनी बड़ी आमदनी आई है तो ये सब किसान की नहीं है जी, किसान का मुश्किल से 10% माल होगा, बाकी सब व्यापारी कोल्ड मालिकों का व्यापारी। इस वजह से जो भी नुकसान खा रहे हैं व्यापारी कोल्ड मालिक, किसान ने तो महंगे भाव में अपना सब आलू बेच लिया, लेकिन हमें लगता है भाई साहब किसान ये कहता है कि भैया हम नहीं बेच पाए, अब
नहीं, माल पेटे में लगाया ना, किसान का माल खरीद के व्यापारी अपने पेटे में लगाए, कोल्डो में स्टॉक किए पला है हर तरीके से। अच्छा ये है कि किसान अभी आलू रोके भी है थोड़ा बहुत अपना अपना, किसानों ने अपने बीच का आलू रोक रखा था जी जी। और प्लस जो बड़ा किसान है, मान लो 2000 बोरी पैदा करता है तो उसने 1000 बोरी तो बेची लिए लगभग, बिल्कुल बिल्कुल 1000 बोरी उसके पेटे में भले हो जी। जो छोटे मोटे किसान है उन्हें लगभग सब बेच लिया है, बिल्कुल। अच्छा तो, भाई साहब जैसे लगातार मुझे लग रहा है कि अब दीपावली तक हो सकता है भैया और कुछ गिरावट हो जाए, क्या आपका? नहीं नहीं, ये देखिए ऐसा समय है 25 तारीख से 30 अक्टूबर जी कानपुर के लिए बिक्री का सबसे स्वर्णिम समय है। अच्छा इस समय इतनी जबरदस्त सेल होती है कि किसी समय नहीं होती है जी। लेकिन ये साल ऐसा जा रहा है कि ज्यादा लोडिंग की वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, कभी गिरावट नहीं होती थी, नहीं होती थी। 100-200 रुपए क्विंटल का हमेशा उछाल होता था, बिल्कुल। अच्छा भाई साहब तो एक कारण और भी रहा होगा इसमें, आपने जब इतना नोटिस किया है तो एक बात और नोटिस की होगी कि आवक जो है आवक भी जबरदस्त होगी, डबल हो गई होगी। आवक डबल ट्रिपल सब होती थी, लेकिन यहाँ की सेल इतनी जबरदस्त होती थी वो सब कम पड़ जाती थी। अच्छा लेकिन इस साल कुछ समस्याएं आ रही, इस वजह से मार्केट यहाँ की डाउन हो रही है जी। क्योंकि यहाँ का जो लिवाल था करीब 30-40% वो डायरेक्ट खरीदने लगा है कोल्ड स्टोरेज। हाँ अच्छा, यहाँ पे आवक उतनी आ रही है तो लिवाल जो यहाँ से हट गया है जी जी, इस वजह से यहाँ पे दुकानदारी थोड़ी कमजोर हुई है, बिल्कुल। अच्छा भाई साहब चलिए फिलहाल में हमें रेट बता दीजिएगा कि आज के रेट क्या रहे हैं, आगरा का गुल्ला क्या रेट बिका आज, जैसे ये इस क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी अगर है। आगरा का ये गुल्ला बिक रहा 15 रुपए का आज का, 15 रुपए आज का भाव है 15 रुपए बढ़िया में जाएंगे। 254 की लाट है जी। ये इसको 13 रुपए मान के चलो, 13 रुपए मान के लगा इसको 9-10 रुपए का मान के चलो। अच्छा ये 9-10 रुपए आगे वाला लंबे, ये सब गीले माल है, गीले सूखे नहीं है। अच्छा सूखा वाला भाई साहब कितने गीले है, ये जितने सब गीले लगे हैं। सूखा वाला भाई साहब क्या रेट रहे? सूखा वाला 16 रुपए का गुल्ला बिका, बीजा बिका 11 रुपए का, बीजा 11 रुपए। हाँ अच्छा चिप्सोना क्या बिका आज? चिप्सोना बिका है 20-21 का, 20-21 20-21 बस ज्यादा बहुत 22 रुपए का बिक गया होगा, 20-21 के ज्यादा बिक रहे हैं, बिल्कुल। तो हाँ इस पे साफ साफ दिख रहा है की 100-150 रुपए 2-3 रुपए किलो की गिरावट सारी वैरायटी में है। तो हाईलैंड भाई साहब क्या रेट रहा? हाईलैंड 22-23 रुपए का बिका है, कई लोगों ने बेचा 22-23 रुपए का, 24 रुपए की भी एक हवा है, बिल्कुल 22-23 की मेन बचा। किसान इस समय हालात को देख के मान के चले, बिल्कुल। अच्छा किसानों को अब करना क्या चाहिए ऐसे में, क्योंकि अब किसान मुझे लगता है कि सीधा सीधा 200 रुपए घाटे में चल रहा है इस समय। देखा जाए आज के दिन अगर सीधा सीधा 200 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट हो गई, अब इन किसानों को क्या उचित कदम उठाना चाहिए? हमारी समझ में तो किसान को अभी रुकना चाहिए जी, जिस हिसाब से यहाँ हद से ज्यादा गिरावट आ गई जी, है जी, उनको रुकना चाहिए। मार्केट जब ऊपर जाए जी, जब वो अपना माल लेके आए, अभी यहाँ पे इतना पर्याप्त आलू है कि 1-2 दिन के लिए काफी है जी। और दीपावली के 1-2 दिन पहले आप माल लेके आइए, आपको अच्छे भाव मिलेंगे। दीपावली के 1-2 दिन अभी पहले। माल इतना है कि 2-3 दिन चल जाएगा, बिल्कुल। हाँ ये चल जाएगा, बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है क्योंकि मंडी में चारों तरफ हर गली में आपको गाड़ी गाड़ी देखने को मिल रही है, आलू है जगह डंप है। भाई साहब आज अपने दुकान की आमद बता दीजिए हमें कितनी होगी? आज दुकान में 5 गाली की आमदनी थी, 1 गाली कल की खली थी, नीचे बैलेंस में 1.5 गाली था, बिल्कुल। ये देखिए तो 7-8 गाली की हमारी दुकान, और ये नीचे नजारा ये इसी वजह से बना है क्योंकि जितना ऊपर लगता था आज उतना तो नीचे लग गया है। देखिए किसान भाइयों आपको दिखाना भी चाहेंगे भाई साहब के यहाँ पर नीचे भी गाड़ी में, मतलब जो आलू आता था इससे इतना आलू तो ऊपर लगता था, आज देखेंगे तो आज इतना नीचे लगा है, आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी लगा है, इधर देखेंगे तो पूरा भरा पड़ा है, चारों तरफ गाड़ियां भी देखने को मिलेंगी आपको। तो ये कहीं ना कहीं पोजीशन है आमदनी के कारण, ज्यादा होने के कारण गिरावट जो है कहीं ना कहीं साफ साफ देखने को मिली है। इससे किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बस उनको उचित कदम उठाना है। कदम यही रहेगा कि भैया जो अचानक से सारे कूद पड़े हैं, भैया थोड़ा थोड़ा करके कूदें, क्योंकि आपको रेट अगर नहीं मिल पाएगा तो आपको लंबा नुकसान हो जाएगा। अगर यही आमदनी अगर 100 से नीचे रहती और बढ़िया लिवाल, क्योंकि लिवाली सुस्ती है, बिल्कुल लेने वाला कोई है नहीं, खरीदार है नहीं, अब यहाँ पर आलू किसान लेकर के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों जिस चीज़ की भी बैलेंस हो जाती है, आपको ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में नहीं, उचित मात्रा में नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है, तो रेट में कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि परिवर्तन हमेशा आलू के भाव में देखा जाता है, और वो परिवर्तन वही होता है भैया, गिरावट होती है। तो आप लोगों से एक ही है कि आप लोग अगर आना है बेचना है आलू, धीरे धीरे करके निकालते रहिए, हम ये भी नहीं कहते आप पूरा ठप हो जाएं, आराम से आओ, आराम से बेचो, मंडी की पोजीशन देख करके कदम उठाओ, तो आपको जो है किसान भाइयों नुकसान की संभावनाएं कम बनेगी, फायदे की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा बनेगी। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों हमें कमेंट करके बताएं। जय जवान जय किसान।